गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की बात चल रही थी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक सीरीज की, और वो सीरीज थी कौन सी, रिपीटेड या कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज के एपिसोड में हम बाकी क्वेश्चंस को फिनिश करने वाले हैं। देखेंगे किसमें क्या पैटर्न लग रहा है, और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक और उस एपिसोड को जरूर देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो पाए। आज हम बात करेंगे, हालांकि आज के एपिसोड में भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप पहला एपिसोड देखकर आए। तो आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे उस क्वेश्चन से जो मैंने आपको होमवर्क ले दिया था। आप सभी को याद होगा मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दिया था, सामने क्वेश्चन, ठीक है। और आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें शायद नहीं समझ में आया होगा या ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी लग रही होगी। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बी डैश ए सी डैश डबल सी देन डैश देन सी बी देन डैश देन ए बी डैश ए सी, ठीक। हमें इन चार विकल्पों में से एक विकल्प वहां पे सेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैम हम इस सीरीज को कितने कितने में स्प्लिट करें, क्या हम तीन तीन में स्प्लिट करें, क्या हम चार चार में स्प्लिट करें, क्या हम पांच पांच में स्प्लिट करें, या फिर हम दो तीन चार पांच ऐसा सीक्वेंस चलाएं। तो सीक्वेंस पहचानने के लिए एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन देखे तो ए बी सी, ए बी ए बी और ए बी सी, यानी कि तीन ही अल्फाबेट्स की बात हो रही है, एक सी की, एक बी की और एक ए की, तो तीन तीन अल्फाबेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये तीन में टूटा होगा या तो ये चार में टूटा होगा। अगर इनसे नहीं होता तो फिर हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, पहले मैंने देखा कि अगर ये तीन में टूटता, अगर यही क्वेश्चन होता और ये तीन तीन में टूटता तो तीन तीन में तो कुछ ऐसा टूटना चाहिए था इस तरीके से, है ना। लेकिन क्या सीरीज बन रही है, तीन तीन में टूट गया। अगर आपको लग रहा है कि मैम यहां पर सी बच रहा है इसलिए हम तीन में नहीं तोड़ रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार लास्ट में दो या एक ही अल्फाबेट बच जाता है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं देख रही हूं बी ए बी डैश ए, फिर ये बी ए यहां रिपीट हो रहा है एंड देन अगेन रिपीट हो रहा है। या तो ये ऑल्टरनेट रिपीट होता या तो ये सीक्वेंस में रिपीट होता। अगर एक के बाद हो रहा है तो एक के बाद होता, या तो ये दो के बाद हो रहा है तो दो के बाद होता। लेकिन समस्या क्या है, पहले ये एक और दो पैटर्न के बाद हुआ रिपीट, उसके बाद फिर से अगेन आगे हो गया, इसका मतलब नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ी है। अगर तीन से काम नहीं चल रहा है तो बिल्कुल आप क्या करें, चार के पैटर्न बनाएं। चार चार के अगर हम बनाते हैं तो चार चार के पैटर्न बनाने से देखो कौन सा हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पर बने चार, अगेन बने यहां पर चार, फिर से यहां बने चार, और लास्ट में बने यहां चार, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं लास्ट में एक दो छूट सकते हैं, बिल्कुल ऐसी सीरीज भी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हमारा बना एक पैटर्न। मैं क्या देख पा रही हूं, मैं देख पा रही हूं कि बीच में ना यहां पर सीसी आ रहा है, आगे पीछे का नहीं पता लेकिन बीच में सीसी आ रहा है। इसको देखूं तो इसके बीच में ए आ रहा है और फिर यहां पर पता नहीं क्या आने वाला है। इधर की बात करें तो यहां पर सी है, ए है, ये ए है, यहां पर बीच में दो ब्लैंक है, हो सकता है यहां बी भी आ रहा हो, यहां पर देखें तो हो सकता है यहां ए आ रहा हो। क्यों, क्योंकि बीच वाले दो देख रही हूं मैं बीच वाले दो देख रही हूं, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूं एक बार। देखो बीच वाले दो देख रही हूं, आगे पीछे का नहीं पता लेकिन बीच के दो, यहां पर बीच के दो ये होंगे, यहां पर बीच के दो ये होंगे और यहां पर बीच के दो ये होंगे, ठीक है। अगर रिपीटेड है, यहां पर सी दो बार रिपीट हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि बीच वाले दो बार रिपीट हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो यहां पर ए रिपीट होना चाहिए, यहां पर बी रिपीट होना चाहिए और यहां पर ए रिपीट होना चाहिए, ठीक। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है ऑप्शन जो मैच कर रहा है, तो सबसे पहले आगे ए होना चाहिए, यानी ये दो ऑप्शन, ये दोनों तो गए, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट में देखें तो बी ए, लास्ट में बी ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन को पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीक्वेंस था। ए यहां आ गया, फिर यहां पर ए आएगा, यहां पर बी आएगा एंड देन बी एंड ए। तो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, बी डबल ए सी, फिर ए डबल सी बी, फिर सी डबल बी ए और फिर बी डबल ए सी, ये चीज यहां आके रिपीट हो रही है। अगर आगे भी होता तो फिर ये चीज यहां आके रिपीट होती, फिर आगे होता तो ये चीज यहां आके रिपीट होती, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर सीक्वेंस की बात करें बेटा तो सीक्वेंस कोई पर्टिकुलर नहीं है, उन्होंने बीच में एक अल्फाबेट रखा है ए, उसको डबल किया है, फिर सी को किया है, फिर बी को किया है, फिर ए को किया है, फिर सी को करेंगे, ऐसा कुछ है। हुआ क्या, बी सी पहले लिया उसने, ये दोनों, एक को शुरू का एक को लास्ट का, उसके बाद ए भी लिया यानी कि ये दोनों, एक शुरू का एक आखिरी का, उसके बाद क्या लिया सी ए, यानी इनका पैटर्न बनाया एक शुरू का और एक आखिरी का, उसके बाद अगेन बी सी शुरू है, फिर दूसरा क्या होगा ए बी, फिर सी ए, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो आंसर होगा ये,
ठीक है, कुछ लोगों ने ये पुट भी कर दिया था, लेकिन समस्या क्या थी कि मैम हमें ऐसा लग रहा था ये पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये पैटर्न बन रहा है, फिक्स पैटर्न है, और यही पैटर्न आगे जाके रिपीट होगा, अगर ब्लैंक्स दिए होते तो आप और समझ जाते। तो चलिए इस विकल्प का आंसर ये हो गया आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये वाला विकल्प हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये था होमवर्क, आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में आपके लिए क्या क्या नया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में एक तो एक चीज सही कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट में देखिए आपको एक्स्ट्रा एक अल्फाबेट दिया है, इस एक्स्ट्रा अल्फाबेट को हटा दीजिएगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन है सी बी बी ए ए, क्योंकि देखो ब्लैंक्स कॉमन सेंस वाली बात है, ब्लैंक्स कितने हैं, पांच ही हैं, तो अल्फाबेट छह नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो चलो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या करना है, मैंने देखा ऊपर अल्फाबेट्स कितने हैं, ठीक है, मैं काउंट नहीं कर रही हूं, ए है, डी है, बी है, और क्या है, सी है, ये चार दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है चार चार का कॉम्बिनेशन बनाओ, हो सकता है तीन तीन का, बनने के लिए तो कितने का बन सकता है, लेकिन मैं चार से इसको क्या करती हूँ, उठाती हूँ इस क्वेश्चन को, फोर से स्टार्ट करती हूँ, फोर से बन गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं थ्री से भी ट्राई करूंगी। तो देखते हैं, फोर यानी ये, अगेन फोर यानी ये, फिर अगेन फोर यानी ये, फिर अगेन फोर, उसके बाद फिर से फोर, और लास्ट में एक और बच गया, कितना, फोर, ठीक। ऐसा कोई पैटर्न है जो आपको फिक्स पता हो, जो बिल्कुल फिक्स पता हो, बिल्कुल मैम ये है सी बी डी ए, ये फिक्स है सी बी डी ए, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न क्या है मुझे नहीं पता, तो क्यों ना मैं यहां पर ए भी है, डी भी है, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, ठीक है, ए भी है, डी भी है, बी भी है, तो क्या मिसिंग है, यहां पर सी मिसिंग है, अगर यहां पर देखें तो विकल्प है ऐसे जो सी से स्टार्ट होने वाले, यानी कि ये दोनों तो गए ऑप्शन से, ठीक है, अगर हमारा आंसर सही होगा तो। फिर यहां पर देखा मैंने ए भी है, डी भी है, सी भी है, बी मिसिंग है, ए भी है, सी भी है, डी भी है, यहां पर भी बी मिसिंग है, यहां पर डी है, सी है, बी है, ए मिसिंग है, यहां पर डी बी सी भी है, ए मिसिंग है, और यहां पर तो कुछ मिसिंग है ही नहीं। अब देखें तो पैटर्न के हिसाब से क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी डबल बी डबल ए, सी डबल बी डबल ए, तो ये तो मैच कर रहा है और आंसर भी यही है, बट द थिंग इज कि मैम इसका तो कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, यहां पर ए डी बी सी, फिर ए सी बी डी, उसके बाद फिर ए बी सी डी, उसके बाद फिर डी सी बी ए, उसके बाद डी बी सी ए, उसके बाद फिर से यहां पर सी बी डी ए, है ना, जी हाँ, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एग्जामिनर खुद ही अरेंज कर रहा है, बस कैसे कर रहा है, चार के चार अल्फाबेट्स आने चाहिए, फिर कौन सा आगे कौन सा पीछे उसमें कोई मैटर नहीं करता, और आपको ब्लैंक्स भी कुछ ऐसे ही दिए थे फिल करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें पैटर्न नहीं बन रहा तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पैटर्न तो कुछ नहीं बन रहा ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज रिपीट हो रही हो बार बार या कोई सीक्वेंस है, यहां पर हम देख पा रहे हैं ए डी बी सी है, अब ए के बाद बी आना चाहिए था, बी के बाद सी आना चाहिए, डी आना था, पर उसने तो पहले ही कर दिया ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, यहां पर ए को सी के साथ, तो बी को डी के साथ इंटरचेंज कर दिया, ए और सी तो ऐसे रखे, सी इधर आ गया बस, तो आप ये भी पता लगा पा सकते हैं कि किसकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, तो ये पैटर्न बन रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, फर्स्ट आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन से भी सचेत रहिएगा, ठीक, ऐसे ही आपको फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर कौन सा है, तो चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करते तो शायद ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कॉमन सेंस ये कि बेटा यहां पे जो आपको एक बड़ा सा ब्लैंक नजर आ रहा है ना, वो एक नहीं वो दो ब्लैंक है, तो प्लीज यहां पर दो ब्लैंक है वो, ठीक है, वो हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनके कंधों पर बहुत भार है, कर दिया उन्होंने थोड़ा गड़बड़, ठीक है, बाकी छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी एरर है, तो आप सही कर लीजिएगा, यहां पर डबल डैश है। Now, ये आप ऐसे ही पता लगा सकते थे कि भाई पांच अल्फाबेट दिए तो वन, अगर ये पूरा एक ही होता तो वन टू थ्री फोर, तो एक एक्स्ट्रा का हर किसी में एक एक्स्ट्रा दिया है ना, तो एक में एरर हो सकता है, सब में थोड़ी ना होगा, तो यहां पर दो ब्लैंक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ए और बी ही दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन के हिसाब से भी दो ही है, ए और बी, या तो दो दो के बने होंगे पेयर, नहीं तो तीन तीन के, नहीं तो चार चार के, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, देखा कि मैं इनको किसमें तोड़ देती हूँ, मेरे हिसाब से तीन तीन के पेयर में टू जाने चाहिए वैसे तो देख लेते हैं, तीन तीन के पेयर में अगर मैं तोड़ती हूं तो क्या तीन तीन के पेयर में बात बन जाएगी, जरा आप भी सोचिए, दिमाग लगाइए, तीन तीन के पेयर में बात बन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, ए यहां पर मिसिंग है, या तो ए आएगा तो बी आएगा, बी ए फिर मिसिंग है, फिर यहां पर मिसिंग है, मैं देख पा रही हूं कि ए दो बार आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, कि ए जो कितनी बार आया, दो बार आया,
दो बार आने का मतलब अगर मैं यहाँ पे बी दो बार कर देती, या फिर हो सकता है ये बी दो बार आया ऐसे काउंट हो रहा हो, है ना। लेकिन समस्या तो ये हम बता नहीं सकते। यहां पर ऑप्शन में से अगर मैं कोई भी फिल करूं, अभी देखो ऑप्शन से कैसे हिट एंड ट्रायल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी कर देती, यहां पे मैं ए कर देती, यानी फर्स्ट ऑप्शन लेती मैं, यहां पे बी कर देती, यहां पे बी कर देती, यहां पे भी बी कर देती, तो ये क्या होता, ए बी 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 ए ए बी 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 ए ए बी ए बी बी ए, क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है, लॉजिक ही बिगड़ रहा है। यहां पे ए डबल बी, यहां पे बी डबल ए, चलो यहां तक मान भी लिया, तो यहां पे ट्रिपल बी क्यों आया? यहां पे फिर ए या डबल बी या बी या डबल ए होना चाहिए था, फिर यहां पे डबल ए बी, फिर यहां पे डबल बी ए, है ना। तो यहां पे लॉजिक बिगड़ रहा है, तो पहला ऑप्शन मैं नहीं रखने वाली। अगर पहले ऑप्शन से आपका सेट नहीं बैठ रहा है, आप दूसरा ऑप्शन रख के देख लो। यहां पर ए है, यहां पर ए है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लॉजिक नहीं बन रहा था, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस में आप ऐसे एक एक करके चेक करोगे। यहां पर देखो तो डबल ए बी, फिर बी डबल ए, ट्रिपल बी, और ये ट्रिपल बी है जो मुझे परेशान कर रहा है ना। मैं दूसरा ऑप्शन भी अगर चेक करती हूं तो ए यहां पर बी, फिर यहां पर ए, देन अगेन ए, और बस सी होगा बी, फिर यहां पर बी है सॉरी, और फिर ए एंड देन ए, क्या हो रहा है? यहां पर देखो डबल ए बी, बी ए बी, डबल बी ए, डबल ए बी, ए बी ए, नहीं ये लॉजिक भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन और मेरी लास्ट उम्मीद भी यही है। लास्ट उम्मीद क्या है? ये यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, और यहां ए, तो क्या बन रहा है? डबल ए बी, ए बी, ए बी, ए डबल बी, डबल ए बी, नहीं नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर चीज हमें इशारा कर रही है कि आपने तीन का पेयर ले क्यों, यानी ये काम तीन के पेयर से नहीं हो रहा है। अगर तीन के पेयर से नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये चार के पेयर से हो रहा हो, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि आंसर, देखो आंसर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं आपको, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको समझना है इसको, ठीक है। तो जब भी ऐसे में बात ना बने तो हम पेयर को बढ़ा देंगे, पेयर बढ़ा दिया, ठीक है। कितने कितने का ले लिया पेयर? एक पेयर ले लिया हमने, चार चार का, ठीक है, ये लास्ट में इतना बच गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा चार चार का पेयर लेते हैं तो क्या होगा? मैंने कहा यहां पर ए, फिर लास्ट में बी आ रहा है, यहां पर देखिए ए शुरू का, लास्ट का बी आ रहा है, इसका भी यहां पर गायब है लेकिन लास्ट का तो बी है, यहां पर देखें तो ये तो अधूरा ही है क्योंकि ये तीन से बन रहा है, चार से नहीं। तो क्यों ना ऐसा करें कि अगर वो कह रहा है बी के पहले भी बी अगर चार रखे तो भी कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे बी रखूं, यहां पर ये रखूं, ये भी लॉजिक नहीं बन पा रहा है। अगर चार से भी लॉजिक ना बने तब क्या करेंगे? तब हम और बढ़ाएंगे, यानी कि अब हम क्या कर लेते हैं, इसे पांच में कन्वर्ट कर लेते हैं, पांच पांच में तोड़ेंगे अब, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है कि कितने में उसे ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो हम अब पांच में तोड़ देते हैं, यहां पर भी एक दो तीन चार पांच में तोड़ देते हैं, यहां पर भी एक दो तीन चार पांच में तोड़ देते हैं, ठीक, तोड़ दिया पांच में। क्या करें? शुरू का और आखिरी का इसका ए है, यहां पर आखिरी का दिया है, शुरू का गायब कर दिया, यहां पर शुरू और आखिरी का ए है। तो मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रही हूं, यहां पर भी मान लो ए होता, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूं सिर्फ, ठीक है, हिट एंड ट्रायल है। बीच में अगर बात करें तो यहां पे डबल बी है, यानी ए बी, और उसके ए के आगे भी बी है, तो यहां बी लगा देते, ए के आगे बी है, ठीक है। यहां ए के बाद क्या है? बी। यहां भी ए के बाद बी लगा देते हैं, यहां भी ए के बाद बी लगा देते हैं, अगर ऐसा है। और यहां देखें तो बीच में ए ट्रिपल बी, ए ए ट्रिपल बी, ए ए ट्रिपल बी, ए, हाँ तो बन सकता है, ये पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न बन रहा है। तो क्या कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है? पहला बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, तो बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा आंसर बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में पहले हमने थ्री से स्टार्ट किया, बात नहीं बनी, फिर हमने तीन चार से स्टार्ट किया तो भी बात नहीं बनी, तो भी हम घूम गए, ठीक है। फिर हमने ऑप्शन दिया क्या, पांच, पांच से हमारा आंसर आ गया। तो कई बार ऑप्शन पे पुट करके भी हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि हमें स्प्लिट करना नहीं आता, हम दो दो में तोड़ देते हैं या तीन तीन में तोड़ देते हैं, टू टू चार या पांच में रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए इसको देखो। अब ये एक्स वाई आ गया, वाई जेड एक्स, ऑप्शन में भी देखे तो एक एक्स वेरिएबल दिख रहा है, एक जेड और एक वाई, तो एक्स वाई और जेड इन्हीं में से बन रहा है, तो तीन तीन का पेयर लेना मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। तीन से राउंड बनेगा तो मैं चार ले लूंगी, ठीक है, तीन तीन का पेयर लेते हैं, मैं काउंट नहीं कर रही हूं उनको, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, और ये लास्ट में तीन का पेयर, ठीक है। जो जो मिसिंग है वो भर दो बस, y भी है z भी है, तो x की कमी है,
यहाँ z है, x है तो y की कमी है। यहां पर बात करें x और y है तो z की कमी है। यहां पे अगर बात करें तो यहां पर आपका x भी है, z भी है तो y की कमी है, और यहां पर zx है तो y की कमी है। पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न क्या बन रहा है जरा देख लेते हैं। एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स, यानी ये स्टार्ट जो हो रहा है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले एक्स वाई जेड जैसे आते हैं ऑर्डर वाइज वैसे, उसके बाद फिर इसको छुपा दिया, अब यहां से स्टार्ट किया वाई जेड और फिर एक्स, फिर तीसरा पैटर्न जेड से स्टार्ट किया, जेड जेड के बाद क्या आएगा जेड, फिर एक्स और फिर वाई, फिर दोबारा वही सिक्वेंस चल रहा होगा एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर से वाई जेड एक्स। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि पहले एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर पहले एक्स वाई जेड लेता है, ठीक है, उसके बाद उसने इस क्वेश्चन में क्या किया, यहां से स्टार्ट किया वाई जेड और फिर जो बचा होगा एक्स, उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया जेड से स्टार्ट किया जेड फिर एक्स वाई, और उसके बाद यही सीरीज हो रही थी, ये क्या हो रही थी बच्चे, रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक्स वाई जेड वाई वाई ये आना चाहिए आंसर। तो देख लेते हैं किसी ऑप्शन में ये है क्या, ये है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई जेड वाई वाई, इजी था, इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चलिए बिल्कुल एक वैसा ही क्वेश्चन, जी एच जे और आई, नीचे ऑप्शन के हिसाब से भी तो जी एच आई जे ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, चार का पैटर्न है तो मैं चार में इसे तोड़ना ज्यादा सही समझूंगी, चार के पैटर्न में तोड़ देते हैं, चार ही ऑप्शन विकल्प है हमारे पास, वेरिएबल चार ही है, तो चार चार में तोड़ के देख लेते हैं, काम बन जाएगा तो ठीक है, वरना फिर हम तीन में तोड़ के देख लेंगे। चार में तोड़ दिया, जी है एच है आई गायब है, लगा देते हैं, एच है आई है जे है जी गायब है, आई जे जी गायब है एच है, जे जी एच गायब है, बना दिया, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है आई जी जी एच, आई जी जी एच सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, पर पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न बन रहा है ऐसे ही, तो मैंने कहा जी एच आई जे, ठीक है, कई बार पैटर्न बनता है कई बार नहीं बनता, तो जी एच आई जे लिखा, फिर एच से स्टार्ट किया है, यानी वही पैटर्न है जो अभी क्वेश्चन में कराया, एच आई जे और फिर जी, एच आई जे और फिर जी, फिर किससे स्टार्ट करेगा, फिर आई से स्टार्ट करेगा, आई जे जी एच, आई जे जी एच, फिर किससे स्टार्ट करेगा, जे से स्टार्ट करेगा, जे जी एच आई, जे जी एच आई, बिल्कुल इसमें सोचना ही नहीं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और कराएंगे, क्या है, एक्स वाई और जेड भी है, चलो एक्स भी है वाई भी है और जेड भी है, जेड दिख रहा है ना ऑप्शन में, तो बिल्कुल जेड की भी कहीं ना कहीं कमी होगी इसमें, और एक्स और वाई, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये भी तो ऑप्शन है, हो सकता है यही हो, आप जेड को क्यों ले रहे हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो तीन की हो सकती है ना, अगर ये वेरिएबल अगर ऑप्शन में ये आंसर होता या ये ऑप्शन आंसर है तो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, इसे मैं जितने वेरिएबल है उनको लेके चलती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, तीन तीन को लेके चल दें, तीन तीन को लेने से फायदा है क्या, जरा एक बार देख लेते हैं। अगर मैं तीन लेती हूँ तो तीन का यानी यहां पर इसका मामला हो जाएगा, यहां पर तीन इधर हो जाएगा, तीन यहां पर हो जाएगा, अगेन तीन हो जाएगा, और लास्ट में बचेंगे कितने, चार, तो बच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बच सकते, तीन और लेके चल लो, लास्ट में एक छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं छूट सकता, लेकिन पैटर्न क्या बन रहा है, यहां पर देखिए डबल एक्स, और फिर यहां पर कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस में डबल आई नहीं, इसको छोड़ के यहां पर डबल वाई आया है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर वाई रख देती, वाई डबल एक्स, वाई से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वाई डबल एक्स, फिर वाई एक्स वाई, फिर y x y, फिर y x y, फिर y या x डबल y, तो यहां पर ऑप्शन देखे तो मैच नहीं करेगा, जहां तक मेरा ख्याल है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन रख के भी देखूं तो चलिए मान लीजिए मैं इसको ऑप्शन रख के देखती हूं, किसको, पहले वाले ऑप्शन को, देखना जरा ध्यान से, ये y, फिर यहां पे y और फिर x और फिर x, यहां रख के भी देख लूं तो क्या हो रहा है, यहां पर y डबल x, y x y, y x y डबल x y, x डबल y और फिर x, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मतलब ही नहीं आ रहा। चलो अगर ये नहीं है तो हो सकता है दूसरा पैटर्न हो, दूसरा देख लो नीचे से, अगर मैं ये वाला y रखती y, तो यहां पर y, देन z, देन x एंड देन x, क्या मतलब है, y डबल x, y x y, z x y, फिर x y, x डबल x y, फिर x डबल y, ना ना ना, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, ठीक है, आप खुद भी देख लीजिए, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो
इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं जेड को रखाओ या एक्स को रखाओ, एक्स को रखती तो ट्रिपल एक्स की सीरीज बन रही थी, ट्रिपल एक्स, फिर यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर डबल एक्स वाई, नहीं मजा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब अब तो हम थक हार गए, हमें पता चल गया भैया ये जो तीन सीरीज लिए आपने, तीन का कॉम्बिनेशन लिया है, ये तीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है गड़बड़ ले रखा होगा, है ना। तीन का नहीं ले तो क्या लूं, मैंने कहा चार का लेके देख लेते हैं। ठीक है, तीन का नहीं लेते तो चार का लेके देख लेते हैं, हो सकता है चार से बन जाए। ठीक है, बन जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पांच का लेंगे या दो का लेंगे। तो मैंने देखा चार का कॉम्बिनेशन, यहां पर भी चार का कॉम्बिनेशन, यहां पर देखा तो चार का कॉम्बिनेशन, यहां पर भी चार का कॉम्बिनेशन, बीच वाली वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है, देख पा रहे होंगे आप, यहां पर डबल एक्स है ना, फिर यहां पर डबल ये होनी चाहिए, यहां पर डबल ये वाली वैल्यू होनी चाहिए और यहां पर डबल ये वाली होनी चाहिए, और है यहां पर वाई डबल है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर डबल एक्स, यहां पर डबल वाई, यहां पर डबल एक्स, यहां पर डबल वाई, चल गया काम, यानी बीच की वैल्यू तो हमें समझ में आ रही है, एक्स देन वाई देन एक्स देन वाई, डबल डबल में। यहां की बात करें तो एक्स और एक्स किनारे आगे एक ही अल्फाबेट है, एक्स और एक्स, यहां पे देखो तो वाई और वाई, यहां पे एक्स है तो यहां पे भी एक्स लगा देते हैं, यहां पे वाई है तो यहां पे भी वाई लगा देते हैं, तो फिर पैटर्न क्या बन रहा है, वाई डबल एक्स वाई, एक्स डबल वाई एक्स, वाई डबल एक्स वाई, एक्स डबल वाई एक्स, यानी ये यहां रिपीट हो रहा है, ये यहां रिपीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, एक्स डबल वाई एक्स, एक्स डबल वाई एक्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसका आंसर टिक कर लीजिए, तो वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स, हाँ तो पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि कैसे करना है, ऐसे नहीं कि पहले पूरा गिन रहे हैं फिर उसे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। अल्फाबेट कितने हैं, अल्फाबेट है ए बी है बी बी है सी, हाँ तीन ही है, ए बी है बी और सी है, खत्म इंक, ए है बी है और सी है। ठीक है, तो तीन तीन का कॉम्बिनेशन ले लूं, तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेना ठीक रहेगा, चलो ले लेते हैं तीन तीन का ले लेते हैं पहले, ठीक है, या चार चार का ही लूं, क्योंकि डबल ए यहां दिखाई दे रहा है मुझे, यहां भी डबल ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और डबल ए से पहले सी है, यहां पर डबल ए से पहले सी अगर मैं लगा दूं, यहां पर डबल ए से पहले सी आ जाएगा। हाँ, चार चार का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, देखो कॉमन सेंस लग रहा है यहां पर, ठीक है, हाँ डबल ए से पहले सी, ठीक है, चार चार का कॉम्बिनेशन लेना ज्यादा सही लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं लगेगा तो तीन में भी आ जाएंगे, डबल ए लास्ट में एंड हो रहा है, डबल ए सी यहां पर देख रहे हैं, तो डबल ए आने के लिए ब्लैंक है ना, डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी, ठीक है, बन गया। आगे क्या है, बी बी बी, तो यहां पे भी क्या होगा, बी, तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, पैटर्न तो बन रहा है ना, रिपीटेड सीरीज बन रही है, एक ही चीज अपने, एक ही सीक्वेंस अपने आपको रिपीट कर रहा है बार बार, तो अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो बहुत सही है, इससे इजी तो कोई मिल ही नहीं सकता, अगर नहीं कर रहा है तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो देखते हैं, ए सी ए बी, ए सी ए बी ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर होगा, बिना किसी डाउट के आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, और आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ठीक है, अप्रोच आना चाहिए, देखो ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूं ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, नहीं, पैटर्न्स तो कुछ भी बन सकते हैं, अप्रोच कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो जैसे आप लोग पूरा काउंट करते हो, काउंट करने में इसलिए मैं यहां पर ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती इस मेथड को, क्योंकि बेटा काउंट करके तो 21 18 19 20 कुछ भी आ सकता है, उसे स्प्लिट करना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्प्लिट करने का तरीका ऑप्शंस में छुपा होता है, ऑप्शन में जितने आपको अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं आप कम से कम उतने में स्प्लिट करो, उससे काम नहीं बनता तो तब एक एक करके आगे प्रोसीड करो। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ध्यान रहे इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। अगर आपको इससे रिलेटेड है कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर अटकते हैं या आपको किस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, नेक्स्ट वाला एपिसोड यानी कि इसके बाद जो हम चैप्टर की या टॉपिक की वीडियो लाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक कौन सा है गेस कर सकते हो, वो टॉपिक है बच्चे आपका मिसिंग नंबर्स, वो मिसिंग नंबर को नंबर सीरीज से मत जोड़ देना, ये वाला मिसिंग नंबर,
आपने देखा होगा आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 8, 7, 3, 1, 2, 12 और क्वेश्चन मार्क होता है और आपको बताना होता है कि नंबर क्या होगा, तो इस पर लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट से पैटर्न। ठीक है, तो हम इस पर भी बात करेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, क्या तरीका होता है, क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक होती है या हर क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है, तो ये सारी बातें करेंगे अगले एपिसोड में। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल नॉलेज पैटर्न में और फर्दर वीडियोज के लिए।